आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर सुरेश रैना ने करीब एक साल बाद टीम इंडिया में वापसी की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में उन्होंने 7 बॉल में 15 रन बनाने के साथ ही 3 शानदार कैच भी लिए। इसमें सबसे अहम विकेट रहा अफ्रीकी कप्तान जेपी डुमिनी का। डुमिनी सिर्फ 3 रन बना सके। भुवनेश्वर की बॉल पर रैना ने मिड विकेट क्षेत्र में पीछे की ओर दौड़ लगाई और जबरदस्त कैच लपक लिया। भुवनेश्वर कुमार ने मैच में 5 विकेट झटके, इसमें से 3 कैच रैना ने लिए। रैना ने डुमिनी के अलावा विकेट कीपर हेनरिच क्लासेन और क्रिस मॉरिस के कैच लिए। हेनरिच ने 16 रन बनाए तो वहीं मॉरिस खाता भी नहीं खोल सके। पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 203 रन बनाए। शिखर धवन ने 39 बॉल में 72 रन की इनिंग खेली, जवाब में 204 रन के टारगेट का पीछा करते हुए अफ्रीकी टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 175 रन ही बना सकी और 28 रन से मैच हार गई।